आज के हमारे इस वीडियो में हम कंप्यूटर की होम कीज के बारे में समझेंगे, जिसमें होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन, इंसर्ट और डिलीट की के बारे में हम अच्छे से जानकारी लेंगे कि आखिर इनका यूज किस प्रकार से किया जाता है। आपके कंप्यूटर नॉलेज को बढ़ाने के लिए हमारा आज का क्वेश्चन है कि वह कौन सी शॉर्टकट की है जिसके द्वारा हम किसी भी फाइल, फोल्डर या इमेज को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। इसका आंसर आपको इसी वीडियो में कहीं पर मिलेगा, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में हमें इसका आंसर जरूर बताएं। हम हमारी होम की को समझने के लिए सबसे पहले वर्ड को ओपन कर लेते हैं। अब यहां पर हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं। हमने हमारा पैराग्राफ यहां पर ले लिया है। मान लीजिए कि हमारा कर्सर यहां पर किसी भी लाइन में बीच में कहीं पर भी रखा होता है। मान लीजिए कि हम इसे यहां पर गैलरीज के आगे रख लेते हैं और हमें हमारे कर्सर को लाइन में सबसे स्टार्टिंग में लेकर आना है, तो यहां पर हम होम की का यूज करते हैं। हम जैसे ही यहां पर होम की को प्रेस करते हैं, हमारा कर्सर लाइन में चाहे कहीं पर भी हो, वह डायरेक्ट ही लाइन के स्टार्टिंग में आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा कर्सर यहां लाइन की स्टार्टिंग में आ चुका है। इसके साथ ही हमारा कर्सर हमारे पेज में चाहे कहीं भी हो और हमें उसे हमारे पेज के सबसे स्टार्टिंग में लेकर आना हो, तो उसके लिए हम यहाँ पर कंट्रोल के साथ होम की का यूज करते हैं। मान लीजिए कि हमारा कर्सर हम यहाँ पर नीचे यहाँ पर रख लेते हैं। अब यदि हमें इसे हमारे पेज के सबसे ऊपर टॉप में लेके आना है, तो हम यहाँ पर कंट्रोल के साथ होम की को प्रेस करेंगे। जैसे हम कंट्रोल के साथ होम की को प्रेस करते हैं, तो हमारा कर्सर हमारे पेज के सबसे पहली लाइन के स्टार्टिंग में आ जाता है। अब हम एंड की के बारे में समझेंगे। मान लीजिए कि हमारा कर्सर हमारी लाइन में कहीं पर भी रखा हो, तो हमने हमारे कर्सर को यहाँ पर वेन के आगे रख लिया। अब हम हमारे कर्सर को उस लाइन के सबसे एंड में लेकर जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम एंड की को प्रेस करेंगे। जैसे ही हम एंड की को प्रेस करते हैं, तो हमारा कर्सर किसी भी लाइन में कहीं पर भी रखा हो, तो वह उस लाइन के एंड में चला जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा कर्सर इस लाइन के एंड में आ चुका है। इसके साथ ही हमारा कर्सर पेज में कहीं पर भी हो, लेकिन हमें हमारे पेज के सबसे लास्ट लाइन के एंड में जाना हो, तो उसके लिए यहाँ पर हम कंट्रोल के साथ एंड की का यूज करेंगे। हम जैसे ही कंट्रोल के साथ एंड की को यहाँ पर प्रेस करते हैं, तो हमारा कर्सर हमारे पेज के एंडिंग में चला जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा कर्सर हमारे पेज के सबसे एंड में आ चुका है। अब हम यहाँ पर पेज डाउन की के बारे में समझेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अभी हमारी जो फाइल खुली है, इसमें हमारे पास यहाँ पर 28 पेजेस हैं, जिसमें से हम यहाँ पर अभी फर्स्ट पेज पर हैं। अब हम यदि यहाँ पर नीचे जाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक तरीका यह है कि हम यहाँ से स्क्रॉल करके और हम यहाँ पर पेज को नीचे खिसका सकते हैं। लेकिन अगर हम कीबोर्ड के यूज से तेजी से नीचे जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम पेज डाउन की का यूज करेंगे। पेज डाउन की को यहाँ पर प्रेस करने पर हम एक ही बार में यहाँ पर कई लाइन नीचे पहुंच जाते हैं। अब हम यहाँ पर पेज अप की को समझेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अभी हमारी इस वर्ड फाइल में हमारे पास यहाँ पर 28 पेजेस हैं और अभी हम यहाँ पर 21 पेज पर हैं। अगर हम यहाँ पर ऊपर की तरफ जाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर स्क्रॉल करके जा सकते हैं। लेकिन हम यदि चाहते हैं कि हम बिना स्क्रॉल किए केवल कीबोर्ड से ही तेजी के साथ ऊपर चले जाएं, तो इसके लिए यहाँ पर हम पेज अप की का यूज करते हैं। पेज अप की का यूज करने पर हमारा कर्सर एक बार में कई लाइन ऊपर चला जाता है। तो हम यहाँ जैसे ही पेज अप की का यूज करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि हमारा कर्सर बहुत ही तेजी से ऊपर की ओर जा रहा है। अब हम डिलीट की के बारे में जानेंगे। एमएस वर्ड में डिलीट की के द्वारा हम हमारे कर्सर के राइट साइड के लेटर्स को मिटाने के लिए डिलीट की का यूज करते हैं। कि जैसे मान लीजिए कि हमारे कर्सर को हम यहाँ पर इंक्लूड में रख लेते हैं। अब अगर हमें हमारे कर्सर के राइट साइड में एल को, उसके बाद यू को मिटाना है, तो यहाँ पर हम डिलीट की का यूज करेंगे। जैसे हम डिलीट की को यहाँ पर प्रेस करते हैं, तो हमारे कर्सर के राइट साइड के जो भी लेटर है, वह यहाँ पर डिलीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा डिलीट की के द्वारा हम किसी भी फाइल, फोल्डर या किसी भी इमेज को डिलीट कर सकते हैं। तो इसके लिए मान लेते हैं हम यहाँ पर इस वाली इमेज को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं और हम यहाँ पर जैसे ही डिलीट को प्रेस करते हैं, तो हमारी इमेज को यहाँ पर डिलीट करने का एक ऑप्शन आ जाता है और हम जैसे ही यहाँ पर यस पर क्लिक करते हैं, तो हमारी इमेज यहाँ से डिलीट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हमारी इमेज को जब हम डिलीट करते हैं, तो यहाँ से हमारी रिसाइकल बिन में चली जाती है। हम जैसे ही रिसाइकल बिन को ओपन करते हैं, तो हमारी इमेज हमें यहाँ पर फिर से मिल जाती है और इस इमेज को हम रिस्टोर करके फिर से वापस से ला सकते हैं। जैसे हमने इसको रिस्टोर किया, तो आप देख सकते हैं हमारी इमेज यहाँ पर वापस से आ चुकी है।
लेकिन हमें यदि हमारे किसी भी फाइल फोल्डर या इमेज को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम उसे सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर हम ओनली डिलीट की का यूज न करते हुए यहाँ पर हम शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस डिलीट की का यूज करते हैं। हम जैसे यहाँ पर शिफ्ट के साथ डिलीट की को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमारी इमेज परमानेंटली डिलीट हो जाती है। इसके बाद हम जब रिसाइकल बिन में उसे जाके देखते हैं तो वह वहाँ पर हमें नहीं मिलती। अब यहाँ पर हम इंसर्ट की के बारे में जानेंगे कि इंसर्ट की का यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम हमारे चैनल का नेम लिख लेते हैं। अब हम कर्सर को मुकेश के आगे लाकर और यहाँ पर हम किसी भी वर्ड को, मान लीजिए कि हम यहाँ पर कंप्यूटर को लिख लेते हैं, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा मुकेश आगे बढ़ता चला गया और वहाँ पर कंप्यूटर हमारा इंसर्ट हो गया। लेकिन अब यहाँ पर इंसर्ट की का यूज करने के लिए हम वर्ड में सबसे पहले फाइल पर जाएंगे। फाइल पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर नीचे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर एडवांस पर क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें लिखा हुआ मिलता है कि यूज द इंसर्ट की टू कंट्रोल ओवर टाइप मोड। तो यहाँ पर हम इस पर और इसके नीचे वाले दोनों पर टिक लगा लेते हैं और हम जैसे यहाँ पर ओके करते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर जब किसी भी वर्ड को लिखते हैं तो हम जो भी टाइप करते हैं वो तो वहाँ पर आ जाता है, लेकिन आगे वाले लेटर ऑटोमेटिकली वहाँ पर मिटने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे हमारा कर्सर अभी यहाँ पर मुकेश के आगे है, अब हम यहाँ पर मान लीजिए कि टेक्नो लिखते हैं, तो आपने देखा कि यहाँ पर हम जैसे टेक्नो को लिख रहे थे तो हमारे आगे वाले लेटर वहाँ पर ऑटोमेटिकली मिटते जा रहे थे। तो इंसर्ट की का यूज इस तरह से किया जाता है। आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी और भी जानकारियाँ आप तक पहुँच सकें।